Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 6 rural development. हमने अभी तक rural development के अंदर क्या पढ़ा था? Rural credit, source of rural credit, ठीक है, and उसकी deficiency of rural credit या features of good rural credit systems. ये उसके क्या-क्या features होंगे? देखो कि हमारे इकोनॉमी में केवल एक रूरल क्रेडिट की ही प्रॉब्लम नहीं है रूरल एरियाज में कि उन्हें क्या नहीं मिल पाता, प्रॉपर रूरल क्रेडिट प्रोवाइड नहीं हो पाता, और भी क्या है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो किससे रिलेटेड होती है मार्केटिंग. देखो अगर उन्हें क्रेडिट मिल भी गया, उन्हें लोन मिल गया, उन्होंने गुड हार्वेस्टिंग कर ली, अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, आफ्टर हार्वेस्टिंग आफ्टर कल्टिवेशन फार्मर के पास बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टॉक भी होता है. उस स्टॉक को मार्केट में सेल करने के लिए उनके पास क्या नहीं है, आज भी प्रॉपर मार्केट नहीं है. तो आज का जो फार्मर है, रूरल फार्मर है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है. और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर केवल की एक ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अगर वो प्रॉब्लम्स अभी भी कैसी सस्टेन्ड है, तो गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए कि इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्कीम्स बनानी चाहिए, रूरल एरियाज के पर्सन्स के ऊपर प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए. क्योंकि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो केवल एक ही वक्त करना नहीं है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है. कब से कब तक? जब एक किसान, जब एक फार्मर स्वयं जब बीज बोता है और जब वो क्या करता है उसको काटकर मार्केट में ले जाता है, तो तब तक की सारी प्रोसेस किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आती है. तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस. जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व असेंबली. इसके अंदर इन्वॉल्व क्या, असेंबली. सबसे पहले क्या करना, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप को क्या करना होता है, असेंबल करना होता है, स्टोरेज, फिर उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड, जब भी फार्मर क्या करता है कोई भी क्रॉप उगाता है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड क्या करेगा, उसको अलग अलग करेगा. देखो वीट है, राइस है, ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, उनको उगाया जाता है, ग्रेड के अकॉर्डिंग ही उनकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग, उनको पैकिंग किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर्स टू द एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी अक्रॉस द कंट्री. इट मींस एक उसको फार्मर के द्वारा उस फसल को, उस क्रॉप को कल्टीवेट कर लेना ही क्या नहीं होता, उसका फाइनल वर्क नहीं होता, कल्टीवेशन से लेकर मार्केट तक उस क्रॉप को पहुंचाना, उसके बीच में उसने जितना भी क्या किया, वर्क किया है, वो सब किसके अंदर आता है, इस मार्केटिंग के अंदर आता है. क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, सबसे पहले उसको असेंबल करता है, क्योंकि एक जगह उसने क्रॉप नहीं उगाई है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्रॉप उगाई है, वहां से असेंबल करने के बाद उसको स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेसिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग करनी, जिसमें से स्ट्रॉ अलग निकाला जाता है. प्रोसेसिंग में क्या आता है, जो स्ट्रॉ, जो तूड़ा बोलते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में, जो स्ट्रॉ है उसको अलग किया जाता है, और जो ग्रेन्स है, जो सीड्स है उसको अलग निकाला जाता है, वो प्रोसेसिंग है. फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको ट्रांसपोर्टेशन में उसको वन प्लेस अनदर प्लेस पहुंचाया जाएगा, फिर उसकी पैकिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो आज भी क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. क्योंकि आज के फार्मर के पास क्या नहीं है, वो प्रॉपर मार्केट नहीं है. सभी फार्मर, ये नहीं कि सबके पास है, लेकिन सभी फार्मर के पास ये फैसिलिटी नहीं है. अब ये प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर, जो फार्मर है वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स है मैनिपुलेशंस बाय बिग फार्मर्स. जो भी बिग फार्मर्स हैं उनके द्वारा फार्मर्स का क्या किया जाता है, एक्सपोर्टेशन किया जाता है. कैसे एक्सपोर्टेशन किया जा रहा है, बिग फार्मर से स्मॉल फार्मर ने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं कि उन्हें अपनी क्रॉप
करना पड़ता है, उन बिग फार्मर्स को ही सेल करना पड़ता है। तो बिग फार्मर्स क्या करते हैं, उनकी क्रॉप को कम रेट के ऊपर क्या करते हैं, लेते हैं। कम रेट के ऊपर लेंगे तो उनकी इनकम भी क्या हो जाती है, लो इनकम हो जाती है। तो बिग फार्मर कॉन्टिन्यूस फार्मर्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और जो स्मॉल फार्मर जिन्होंने वहां पर क्या किया, वर्क किया है, उनको उस कंप्लीट आउटपुट का सम प्रोपोर्शन ही क्या किया जाता है, गिव किया जाता है, दिया जाता है, फसलों से कम पार्ट दिया जाता है। दूसरा है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें मार्केट के बारे में कंप्लीटली क्या नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि मार्केट में इस टाइम जो वो ग्रेन फूड ग्रेन जिसको सेल करने जा रहे हैं, क्रॉप को वो सेल करने जा रहे हैं, उसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं। तो फार्मर्स को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाता है उनको कम, उनकी क्रॉप को कम प्राइस के ऊपर ही क्या किया जाता है, जो भी मार्केटर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फार्मर क्या करेगा, कम प्राइस के ऊपर ही अपने आउटपुट को मार्केट में सेल करेगा। फिर लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं कम प्राइस के ऊपर अपनी क्रॉप को सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्टर्स से, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि उनके पास क्या होती है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो वो क्रॉप है आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या होता है, उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक होता है आउटपुट का, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए उनके पास कोई वेयर हाउसेस नहीं होते कि जहां पर वो अपनी क्रॉप को सेफली क्या कर सके, स्टोर कर सके, क्योंकि उनके पास अपने लिए ही क्या नहीं है, अगर जगह नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बेटर शेल्टर्स नहीं, अच्छे मकान ही नहीं है, तो क्रॉप को वो कहां पर सेफ रखेंगे। तो इस कारण भी वो क्या करते हैं, उसी टाइम जो प्राइस उन्हें मिलने होते हैं वो किसी भी प्राइस के ऊपर अपने क्रॉप को क्या कर देते हैं, इजिली सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने अभी इसको सेल नहीं किया तो फ्यूचर में क्या हो सकती है, वो कंप्लीट क्रॉप जो भी उन्होंने क्या किया, आपका हार्वेस्ट का फूड ग्रेन आया है, वीट है, राइस है, वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है। ये क्या है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज का ना होना। तो ये तीन उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसे फार्मर्स क्या करता है, फेस करता है इन रूरल एरिया। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फार्मर्स की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब बेसिक्स क्या करने चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए, जिससे फार्मर का क्या ना हो पाए, एक्सपोर्टेशन ना हो पाए। अब है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ मेजर्स किए हैं जिससे क्या इंप्रूव हो जाए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब वो मेजरमेंट क्या है जिससे फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकती है। तो यहाँ क्या नहीं था, प्रॉपर मार्केट नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट को ओपन कर दिया। भाई क्या होगा, फार्मर्स के लिए ऐसी मार्केट होगी जहां पर फार्मर इजिली अपनी क्रॉप को इजिली क्या कर सकता है, सेल और परचेज कर सकता है। इट मीन्स एक ऐसी मार्केट जहां पर फार्मर सीधा कंज्यूमर से मिल सकता है, सीधा अपनी क्रॉप को कंज्यूमर को सेल कर सकता है। इट मीन्स जो बीच के जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो उनके किससे, मैनिपुलेशन उनके एक्सपोर्टेशन से वो बच सकता है। इस टाइप की मार्केट्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोवाइड करवाई है। इसमें क्या, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, का मेन एम ही क्या है, टू प्रोटेक्ट द फार्मर, फार्मर की प्रोटेक्शन करना, इससे फ्रॉम माल प्रैक्टिस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर, जो एक्सपोर्टेशन किया जा रहा है किसके द्वारा, सेलर्स के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा, उससे क्या करना है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। और वहां पर क्या मिलेंगे, फेयर प्राइस मिलेंगे, और कंप्लीट क्या मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि इस टाइम किस क्रॉप्स की क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग फार्मर से क्या किए जाते हैं, उस क्रॉप के फार्मर से क्या किया जाता है, वो क्या दिया जाता है, वही प्राइसेस पे किए जाते हैं। तो फार्मर एक्सपोर्टेशन से बच सकता है और इजिली अपनी क्रॉप को मार्केट में सेल कर सकता है। इवन इसका फायदा ये भी है, इस मार्केट के अंदर वो नेशनल लेवल पर ही अपनी क्रॉप को सेल नहीं कर सकता, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जो बहुत जरूरी है, जो आज के टाइम में आज के फार्मर के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। उसके पास ना तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, ना बेटर उसके पास क्या इरिगेशन फैसिलिटीज है, ना इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है,
कि उनको क्या मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज अच्छी मिले। इसका मतलब है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक रोड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रोड एंड वेयर हाउसिंग। बेटर रोड होंगे इट मीन्स इसमें क्या कर सकता है फार्मर, अपनी क्रॉप को वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली लेकर जा सकता है, क्योंकि क्रॉप कहाँ उगाई जाती है, ये फील्ड में उगाई जाती है, ठीक है। तो वहां से कहां पर किसी भी मार्केट के अंदर क्या लेकर है, मार्केट के अंदर क्या लेकर है, अपनी क्रॉप को लेकर आया, तो किस चीज की फैसिलिटी चाहिए उसे, रोड फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए एंड वेयर हाउसेज। अगर उसे लगता है कि मेरी क्रॉप अभी सेल नहीं हो पा रही या फिर उसके प्राइस बहुत कम है, तो गवर्नमेंट उसको क्या प्रोवाइड करवाए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, कि आपको जब भी ल्यूक्रेटिव प्राइसेस मिलते हैं, बेनिफिशियल जो प्राइसेस मिलते हैं, आप उस टाइम सेल कर लेना, लेकिन अभी आप अपनी क्रॉप्स को कहां पर सेफ रख सकते हो, वेयर हाउसेस के अंदर सेफ रख सकते हो। तो गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, जिससे फार्मर्स के लिए क्या, फार्मर्स और भी ज्यादा सेफ हो गया, वो अपनी क्रॉप को वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर कर रख सकते हैं। कोल्ड स्टोर्स होते हैं, गोडाउन होते हैं, जहां पर वो क्या करता है, अपनी क्रॉप्स को इजीली वहां पर रख सकता है। लेकिन जब उसके क्या हो, मार्केट में डिमांड ना हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिर रहे हैं, तो लिक्विडिटी प्राइस जब मिलेंगे तो वो क्या करेगा, उसको सेल कर देगा। फिर है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर फार्मर प्रोडक्ट। क्या रियलाइज कराना, फेयर प्राइसेस को रियलाइज कराना, इसके लिए फार्मर प्रोडक्ट, जो फार्मर का प्रोडक्ट है उसके फेयर प्राइस प्रोवाइड करवाना। देखो नाम आ गया कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब कि उसी सोसाइटी के वही के कुछ पर्संस मिलकर क्या बनाए, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, एक मार्केट पर्पस से बनाए, किससे कि सभी क्या करेंगे, उसके मेंबर्स है, सभी अपने क्रॉप को वहां असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद, उसकी ग्रेडिंग करने के बाद, प्रोसेस वही होगी, असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग करने के बाद, जब भी उन्हें क्या लगे लुक्रेटिव प्राइस हम मिल रहे हैं, वहां क्या करें, उसको सेल कर दे। कई बार क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास आफ्टर कल्टीवेशन और कुछ ही पार्ट क्या होता है, फार्म प्रोडक्ट का होता है, तो फार्म प्रोडक्ट जब छोटा सा पार्ट होता है तो उसे वो मार्केट में ले जाना नहीं चाहते, सोचते इसको मार्केट में लेकर क्या करेंगे, ले जाएंगे, इसके कोई बेटर प्राइस नहीं मिलने वाले। तो उस कंडीशन में वो क्या बना लेते हैं, अपनी एक कोऑपरेटिव, कई दूसरे को कॉपरेट करें, एक सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं, एक ऐसी मार्केट एस्टेब्लिश करते हैं कि सभी क्या करेंगे, अपना थोड़ा जो भी प्रोडक्ट है उसको असेंबल करेंगे और उसके बाद उसको सीधा मार्केट में सेल कर देंगे। क्या मिल जाएगा उससे, उनको क्या मिलेगा, एक बेनिफिट प्राइस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो गुजरात में एक क्या है, मिल्क प्रोडक्ट की क्या बनाई, कॉपरेटिव सोसाइटीज बनी है, जिसमें इसको जिसको किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कहां से स्टेब्लिश हुई थी, गुजरात से उन लोगों, और ये क्या है, आज भी इसकी मार्केट स्टेब्लिश है। इन्होंने एक दूसरे को कॉपरेट कर क्या किया, अपने जो इनका प्रोडक्ट था उसके बेटर प्राइस का आज मार्केट में ले रहे हैं। फिर डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाए फार्मर्स को, या क्या कर रही है, सबसे पहले लाइक एमएसपी पॉलिसीज। क्या है मिनिमम स्पोर प्राइस पॉलिसी, क्या है ये मिनिमम स्पोर प्राइस पॉलिसी। आफ्टर कल्टीवेशन फार्मर के पास जो आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इट मीन सप्लाई इज मोर देन डिमांड। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कैसी है, कम है। जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या होंगे, डाउन। ये जो आप पढ़ भी चुके हो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था कि जो अगर मार्केट में क्या है, ये पहले ये डिमांड और ये क्या हो गई सप्लाई, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट में क्या हो रहा है, थोड़ा सेल आज। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि देखो सभी फार्मर है, सभी विलेजर्स है, सबके पास एग्रीकल्चर वर्क, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, उनके पास आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, तो आउटपुट इंक्रीज, सप्लाई क्या होगी ज्यादा होगी, तो सप्लाई क्या होगी इंक्रीज, ऐसे ऐसे होगी। बट जितनी सप्लाई इंक्रीज हुई है उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि सभी तो डिमांड नहीं करते, पर जिसने आउटपुट क्या किया, प्रोड्यूस किया, वो डिमांड नहीं करेगा, तो डिमांड सप्लाई की कंपैरिजन कैसी होती है, कम होती है, क्या होगी इसे डिमांड भी इंक्रीज हुई है और सप्लाई भी क्या हुई है यहाँ पर इंक्रीज हुई है, बट प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा कि प्राइसेस क्या हो गए डाउन, प्राइस क्या हो गए पी से, प्राइस पी से कितने हो गए पी1 हो गए। इन प्राइसेस के ऊपर
फार्मर क्या नहीं कर सकता, अपने आउटपुट को सही नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस कैसे है, बहुत ही कम प्राइसेस है। अब कम प्राइस है तो यहाँ क्या करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे किसको, फार्मर को, कि क्या करने के लिए, कि भाई आप अपने आउटपुट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करते, जो इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहे हैं ना मार्केट में, वो क्या करेगी, उससे ज्यादा प्राइसेस, मतलब जहां पर क्या होती है सप्लाई मोर देन डिमांड, इन प्राइसेस को क्या करेगी, सेल करेगी, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। प्राइस लॉ जो आपने पढ़ा था लास्ट प्लस वन के अंदर है, प्लस वन में पढ़ा था आपने मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर, व्हेन द गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस, जो कैसे होते हैं, विच इज अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, हम बोलते हैं मिनिमम स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी, विच आर बेनिफिशियल फॉर अ फार्मर, और दिस पॉलिसी इज जनरली फ्रेम्ड फॉर द बेनिफिटेड ऑफ फार्मर। ये किसके लिए फ्रेम्ड की गई थी, फार्मर के बेनिफिट के लिए फ्रेम्ड की गई है। तो एमएसपी पॉलिसी कि क्या करें, अगर कोई खरीद नहीं रहा है तो गवर्नमेंट क्या है, उसके प्राइस बढ़ा दे, जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रेट निकाले हैं वीट के अपनी बार, पर गवर्नमेंट ने रेट निकाला 2000 रुपीज पर क्विंटल, 2000, तो गवर्नमेंट ने जो रेट निकाले हैं ना उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग चले, मार्केट के अकॉर्डिंग चले, तो बहुत ज्यादा सप्लाई इतने प्राइस मार्केट में नहीं मिलने वाले। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। तो देखो जब कोई भी पर्सन, जैसे मैंने भी बताया कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2000 के ऊपर कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने को रेडी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सभी कंज्यूमर इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करे, खुद उस क्रॉप को क्या करे, से परचेज कर ले, खुद परचेज करेगी, जो किसको क्रिएट करता है, बफर स्टॉक। इट मीन्स जो हमारा एमएसपी पॉलिसी है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल आता है, बफर स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखे, बफर स्टॉक मुझे इतना अपने पास रखना है, क्योंकि जब कंज्यूमर को रेट निकाल दी कि 2000 रुपीज से आपको क्या करना है, वीट को परचेज करना है, और 2000 के ऊपर जब कोई कंज्यूमर परचेज करने को रेडी ना हो, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट की क्या होती है, ड्यूटी होती है, लाइबिलिटी होती है, कि वो क्या करे, फार्मर से कंप्लीट आउटपुट को परचेज कर ले। परचेज करेगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा, वहां पर बफर स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ बफर स्टॉक क्रिएट हो गया, अब गवर्नमेंट के पास इतना बफर स्टॉक है, इतना फूड करे ना, गवर्नमेंट क्या करे उसके लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, थ्रू द पीडीएस, पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस सिस्टम के थ्रू उस आउटपुट को क्या करे, मार्केट में क्या करे, चीप रेट के ऊपर जो पुअर पर्सन है, कौन, जो पुअर पर्सन है, उनको क्या कर दे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जो हम देखते भी हैं कि जो कैसे होते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास बीपीएल कार्ड होते हैं, गवर्नमेंट उसको क्या प्रोवाइड करवाती है, वीट प्रोवाइड करवाती है, करप्शन ऑयल है वो प्रोवाइड करवाती है, राइस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, शुगर प्रोवाइड करवाती है, वो उसके पास है, वो बफर स्टॉक है, गवर्नमेंट ने रेट निकाले थे, फार्मर जो बाकी के जो कंज्यूमर लोग परचेज करने को रेडी नहीं हुए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पास बफर स्टॉक क्रिएट किया, बफर स्टॉक का यूज कहां कर दिया, पीडीएस के लिए यूज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा ना था खेत में उगाया है कि उसके पास बफर स्टॉक, उसने भी किससे परचेज किया, ये फार्मर से परचेज किया, जब फार्मर कहीं नहीं परचेज करता है, फार्मर के पास ना आउटपुट था, किसी ने परचेज नहीं किया, गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया, उसको क्या किया, थ्रू द पीडीएस क्या कर दिया, पुअर सेक्शन के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके मेजरमेंट्स, ये मेजरमेंट्स हो गए। गवर्नमेंट के मेजरमेंट्स को करने के बाद अभी भी हमारे पास कुछ मार्केटिंग चैनल्स में जो उभर कर आ रहे हैं, जैसे कि अमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स जो सामने उभर कर आ रहे हैं, वो कौन कौन से, जैसे फर्स्ट है ओरिजिन्स ऑफ फार्मर मार्केट, जो फार्मर मार्केट्स का ओरिजिन्स, देखो हर फार्मर, सभी फार्मर्स क्या चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मुझे क्या मिले, बेटर प्राइसेस मिले, मुझे बेटर रिटर्न मिले, और ये पॉसिबल कब है, व्हेन फार्मर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद कंज्यूमर, जब फार्मर क्या करेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा किसके साथ, कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा, इट मीन्स वो डायरेक्टली क्या करेगा, कंज्यूमर को अपनी क्रॉप को क्या करे, सेल करे, तो उसके लिए क्या बनकर आ रही है, फार्मर मार्केट, क्या बन रही है, फार्मर मार्केट, जो केवल किसके लिए बनी है, फार्मर्स के लिए ही बनी है वो मार्केट। तो अलग अलग मार्केट्स हैं,
जो फार्मर्स के लिए बनी, फार्मर के मेन पर्पस से बनी है, जहां फार्मर्स को क्या मिल सके, लुक्रेटिव प्राइस मिल सके, जहां फार्मर इजिली कंज्यूमर से मीट कर सके, कंज्यूमर से मिल सके, कंज्यूमर को अपना आउटपुट क्या कर सके, डायरेक्टली सेल कर सके। इट मीन्स जो बीच के जो ब्रोकर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, वो क्या हो सके, एलिमिनेट हो सके वहां से। तो उसके लिए कौन कौन से हमारे मार्केट फार्मर मार्केट सही है, फर्स्ट इज अपनी मंडी। कौन सी है, अपनी मंडी कहाँ है, पंजाब हरियाणा राजस्थान। पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए कौन सी फार्मर मार्केट आई है, अपनी मंडी। सेकंड इज हरसपुर मंडी पुणे। पुणे में कौन सी है, हरसपुर मंडी। विधु बाजार है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। एंड उजवर सैंडी, ये किसके लिए, मेनली तमिलनाडु के फार्मर मार्केट है। तमिलनाडु के जो फार्मर है वो क्या है, इसके अंदर इजिली आप क्या कर सकते हैं, इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर के साथ। तो ये चार मार्केट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-1 मार्क्स के अंदर यही मार्केट्स पूछी जाती हैं कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए कौन सी मंडी, या अपनी मंडी कौन से क्षेत्र के लिए है। तो अपनी मंडी किसमें है, इन पंजाब हरियाणा राजस्थान। हलसपुर मंडी इन पुणे। विधु बाजार आंध्र प्रदेश। उजवर सैंडी किसके लिए है, इन तमिलनाडु। और ये क्या है, फार्मर मार्केट, जहां इजिली फार्मर्स कंज्यूमर से मीट करकर अपने आउटपुट को इजिली सेल कर सकता है और ल्यूक्रेटिव प्राइसेस को रिसीव कर सकता है। कैसे प्राइसेस, ल्यूक्रेटिव प्राइसेस वो रिसीव करेगा। सेकंड है एलियंस रेल। एलियंस रेल नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। एलियंस किसके है, विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। कहता है सेवरल नेशनल मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन, जो बहुत सारे इस लेवल के, सब मतलब बहुत हैं, मेनी नेशनल मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन आर इंक्रीजिंगली एंट्रिंग। वो क्या कर रहे हैं, इजिली इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट विद फार्मर, जो फार्मर से क्या कर सके, कॉन्टेक्ट कर सके। जो हमारे फास्ट फूड के जितनी भी क्या है मार्केट्स है, जो चेन है, वो डायरेक्टली आज के टाइम में सीधा कॉन्टेक्ट किससे करती है, फार्मर से कॉन्टेक्ट करती है कि उन्हें देखो विदाउट व्हीट और राइस के आने होने वाला प्रोडक्शन नहीं होने वाला, उनका फूड है वो प्रिपेयर नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो कॉन्टेक्ट करेंगे किसके साथ, फार्मर के साथ कॉन्टेक्ट, क्योंकि फार्मर से क्या मिल जाएगा, वो चीप रेट के ऊपर क्या मिल सकता है, उनसे वो फूड मिल सकता है, फार्मर क्या रिसीव कर सकता है, बेटर प्राइसिंग, क्योंकि बीच के ब्रोकर्स क्या नहीं है वहां पर एलिमिनेट, वो एलिमिनेट रहेंगे तो उनसे उनका वो क्या सकता है, कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम ये कहें कि बेकरी है, क्या है, एक बेकरी है, तो बेकरी मेकर है या फिर उनके बिस्किट बेकरी मेकर है, वो क्या करे, उसे क्या बनाने, बिस्किट बनाने, केक बनाने, कुछ भी बनाना है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके, तो फार्मर से मुझे क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, मुझे राइस चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्टली कहां से उठाएगा, किससे, फार्मर से। इससे क्या हो गया, फार्मर का बेनिफिट हो गया। कैसे, देखो द इंकरेज द फार्मर, वो लोग क्या करते हैं कि फार्मर को इंकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं टू कल्टीवेट फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। तो कहते हैं कि कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट, आप क्या कीजिए, फार्म प्रोडक्ट को कल्टीवेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप वीट और राइस का तो कर ही रहे हो, सासा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप इनका भी क्या करो, प्रोडक्शन करो, क्योंकि इनकी भी क्या होती है, टाइम टू टाइम जरूरत होती है, और इससे आपको क्या मिल सकते हैं, बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। इट मीन्स उन्होंने इंकरेज किया है किसको, फार्मर को इंकरेज किया है। कॉन्टैक्ट तो फार्मर की क्या हो जाएगी,
पर डे की इनकम बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने देखा था उसकी डीमैट सी आई थी, फार्मर के पास इनकम नहीं होती क्योंकि सोइंग और कल्टीवेशन बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, उतने वो क्या करे। तो उस टाइम पीरियड के अंदर उसके उसको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए, हम ये कि उसको इनकम अर्न करवाने के लिए ये कंपनीज होती है क्या करती है, इंकरेज करते हैं कि आप दूसरे आउटपुट को भी क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए। फिर ये कहता है इट इज आर्ग्यू दैट सच अरेंजमेंट विल हेल्प, वो आर्ग्यू क्या करते हैं कि सच अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट है विल हेल्प करेंगी इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ द फार्मर, कि जो आपके प्राइस रिस्क जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब जो कम हो रहे हैं प्राइस रिस्क ऑफ द फार्मर के प्राइस, क्योंकि जो प्राइस है उसके अंदर क्या चलता रहता है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है। क्यों? फार्मर के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है जब बहुत ज्यादा सप्लाई होती है मार्केट में तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, कई बार जब शॉर्टेज आ जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम फार्मर्स के को दोनों प्रॉब्लम्स को फेस करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। कैसे? देखो जब उसकी बहुत ज्यादा सप्लाई होगी तो उसको कम प्राइस मिलने वाले हैं, तो नुकसान हो गया। क्या हुआ कि जब उसकी फसल है जो क्रॉप वो डिस्टर्ब हो गई फॉर द ड्रॉट एंड फेमाइन, उस कंडीशन में प्राइस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके पास इतनी सप्लाई नहीं होती कि वो क्या कर सके मार्केट में सेल कर और क्या कर अच्छे प्राइसेस को ले सके। तो कहते हैं जो फ्लक्चुएशन आने वाले ना किस चीज से बच जाओगे अगर आप दूसरी क्रॉप्स को भी क्या करते हो सेल करते हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जो प्राइस होते हैं कैसे प्री डिसाइडेड होते हैं, कम हो जाता हो हम इसी प्राइस के ऊपर क्या करेंगे आपसे सॉफ्टवेयर को परचेस करने को रेडी हो जाएंगे। एंड एक्सपेंड द मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट, और इससे क्या होता है फार्म प्रोडक्ट की जो मार्केट होती है एक्सपेंड हो जाती है, नेशनल लेवल पर भी इंक्रीज होगी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी क्या होगी इंक्रीज। आज हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपोर्टर है किसके, फूड ग्रेन के। हम ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन क्या करते हैं दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। वही जब क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम इंपोर्टर थे, हम क्या थे इंपोर्टर, दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन को क्या करते थे इंपोर्ट कराते थे, बट आज हम कैसे हैं बेस्ट एक्सपोर्टर हैं किसमें फूड ग्रेन में, इसके हम ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं इसको एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं प्राइसेस को अर्न करते हैं। तो हमारी जो फूड ग्रेन की जो मार्केट है वो केवल नेशनल लेवल के ऊपर ही नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी क्या एक अच्छी रेपुटेशन है। तो ये थे इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, जिससे क्या हुआ है जिससे फार्मर्स का और भी बेनिफिट हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा हम तो नाम बोलो तो नहीं नाम दे दिया।